नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी एंटीबायोटिक की बात करें या फिर कभी भी किसी भी एंटीबायोटिक का विषय निकले तो भी पेनिसिलिन से ही शुरुआत होनी चाहिए। पेनिसिलिन दुनिया में पाया जाने वाला पहला एंटीबायोटिक था। साल 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी एक्सीडेंटली की थी। जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफेलोकोकस ऑरियस के अगेंस्ट कौन सी दवाई सबसे सूटेबल होगी इसका रिसर्च कर रहे थे, तभी अचानक से बाय मिस्टेक उनके स्टेफेलोकोकस ऑरियस के कल्चर्स पे, उसकी ग्रोथ पे पेनिसिलिन की केमिकल गिर गई। ये दवाई जब उस स्टेफेलोकोकस पे गिर गई तो कुछ दिनों तक उनका ध्यान ही नहीं गया। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने ये समझा कि जब ये दवाई अचानक से इस पे गिरी है, बाय मिस्टेक इस पे गिरी है, तब इस स्टेफेलोकोकस ऑरियस की ग्रोथ रुक गई है। फिर जब उन्होंने डीप स्टडी किया, डीप अंडरस्टैंडिंग किया, तब उन्हें ये समझा गया कि ये एक एंटी बैक्टीरियल है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। तब जाके दुनिया में सबसे पहली बार एंटीबायोटिक क्या है ये समझा गया, ये इंट्रोड्यूस किया गया। पेनिसिलिन बैक्टीरियास पे होने वाले प्रोटेक्टिव कवर को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए ये प्रोटेक्टिव कवर बहुत जरूरी होता है। जब पेनिसिलिन ये कवर को डिस्ट्रॉय कर देता है तब बैक्टीरिया एक्सटर्नल अटैक्स के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है और काफी आसानी से मर जाता है। ऐसे ही ये एक एंटीबैक्टीरियल या फिर एंटीबायोटिक बन जाता है। पेनिसिलिन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए काफी इफेक्टिव होता है। सबसे पहले इसे थ्रोट इन्फेक्शन के लिए फाइंड आउट किया गया। आज तक पेनिसिलिन थ्रोट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल थ्रोट इन्फेक्शन के लिए इंडिकेट किया जा सकता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शंस, लंग्स इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जैसे कि सिफिलिस, इन सब बीमारियों के लिए भी पेनिसिलिन काफ़ी इफेक्टिवली काम करता है। पेनिसिलिन यूजुअली 800 मिलीग्राम्स में अवेलेबल होता है और उसी फॉर्म्स में, टैबलेट फॉर्म में ये दिया जाता है। पेंटिड्स, पेंटास, पेंटसिप ऐसे अलग अलग ब्रांड नेम्स में पेनिसिलिन मार्केट में रेडिली अवेलेबल होता है। टैबलेट फॉर्म के अलावा पेनिसिलिन इंजेक्शन फॉर्म्स में भी अवेलेबल होता है, लेकिन इसका यूज सिर्फ हॉस्पिटल्स में किया जाता है। अगर आपको पेनिसिलिन की दवाई का प्रिस्क्रिप्शन किया गया हो और आपको ये दवाई कंज्यूम करनी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और मोस्ट सूटेबल ब्रांड, मोस्ट इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांड आपको कौन सी मिलेगी, उस ब्रांड की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में पाएं। पेनिसिलिन हार्ट के कुछ इन्फेक्शंस के लिए, बोन्स के कुछ इन्फेक्शंस के लिए भी काफ़ी इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है। इसे पूरे के पूरे टैबलेट को कंज्यूम करना होता है। पेनिसिलिन की टैबलेट्स को चू ना करें, इसे खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद कंज्यूम करें, लेकिन जितना हो सके उतना पेनिसिलिन की दवाई रेगुलर टाइम पे, एक फिक्स्ड टाइम पे कंज्यूम करें। पेनिसिलिन का जितने दिनों का कोर्स आपको इंडिकेटेड है उतने दिनों तक ये दवाई कंज्यूम करें, ना उससे कम या ना उससे ज़्यादा। अगर आप इस दवाई को उसके कोर्स से हट के कंज्यूम करेंगे तो आपको इस दवा की रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है। पेनिसिलिन की वजह से यूजुअली माइल्ड रैश डेवलप होता है, माइल्ड नौशिया, वॉमिटिंग और एसिडिटी हो जाती है। इसके अलावा पेनिसिलिन की वजह से इंजेक्शन साइट पे भी हल्की सी स्वेलिंग और रेडनेस नजर आ सकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम हो तो एक बात याद रखें कि यूजुअली ये सिम्टम्स माइल्ड होते हैं और दवाई का कोर्स खत्म होते ही अपने आप से चले जाते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने आपको पेनिसिलिन की दवाई प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान प्रिस्क्राइब की गई हो तो भी एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंफर्म करवाना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है।
लेकिन यूजुअली ये दवाई सेफ होती है। इस गोली को, इस दवाई को ड्राइविंग करने से पहले सेफली कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा नौशिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस महसूस हो रही है तो इस दवाई के कंजम्पशन के बाद ड्राइविंग को अवॉइड करें। अगर आपको किडनीज या लिवर की कोई बड़ी बीमारी हो तो इस दवाई को कंज्यूम करने से पहले अपने डॉक्टर के साथ एक बार ज़रूर बात करें। अगर आपको और भी अलग अलग दवाइयों के बारे में, अलग अलग बीमारियों के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।